नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रेगुलर बेसिस पे एवरी डे मॉर्निंग्स में करंट अफेयर का सेशंस होता है, राइट, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ। और करंट अफेयर न्यूज, स्टैटिक, बैंकिंग अवेयरनेस को न्यूज हो, सारे न्यूज यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सेशंस में बने रहिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे बैंकिंग में IBPS, RRB क्लर्क मीन्स IBPS क्लर्क मीन्स SSC एग्जाम्स, रेलवे NTPC या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल सेशंस है, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस भी आपको मिलेगी जो आपके GK बेस को बूस्ट अप कर सके। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होना आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा, कोई कमेंट हो तो जरूर टाइप करिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल्स कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट जो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम्स की, उनके लिए कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, राइट, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन, राइट, किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई है और किन किन व्यक्तियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उन सभी का एक सेपरेट PDF मैंने बनाया था अप्रैल से लगाकर दिसंबर 2020 तक, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग 9 मंथ, राइट, पिछले 9 महीनों के आपके अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का एक PDF मैंने तैयार किया है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो सेम थंबनेल का कल का वीडियो है, उसमें जाके देख लीजिएगा कैसे आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, पूरा कंप्लीट PDF मैंने वहाँ पर बताया है, राइट। बैंक के एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ जरूर फॉलो करिए, डाउनलोड करिए, रिविजन्स भी करिए, राइट। इसी बेसिस पे इम्पॉर्टेंट ओबिचुरी जून से लगाकर दिसंबर मंथ में, अभी भी जिनका एग्जाम्स होना है, मेरी गारंटी है ओबिचुरी का आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, बट जो मैंने कंटेंट तैयार किया है उनमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो आई एम श्योर आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ओके, जून टू दिसंबर है, चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ था, उन सभी का डिटेल्स में एक PDF मैंने बना रखा है। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बुक्स, राइट, इम्पॉर्टेंट बुक्स यानी कि जो जो पुस्तकें, राइट, माई डियर एस्पिरेंट्स, कौन कौन सी पुस्तक पर्टिकुलर लिखी है, किस कौन इसके ऑथर हैं, पुस्तक का नेम क्या है। एग्जाम्स में 2 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, तो इसका भी मैंने मार्च टू दिसंबर मंथ का PDF यानी कि टोटल्स करीबन करीबन 10 महीने का PDF मैंने बना दिया है। डाउनलोड किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो ये वीडियो देखिएगा, वहां से आपको सारे की सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, PDF का कोई चार्ज नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, कोई भी परेशानी लैंग्वेज इश्यू पर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज, टोटल्स लास्ट 10 महीनों के मार्च से दिसंबर तक इम्पॉर्टेंट कौन कौन से डेज हैं, राइट, मार्च से दिसंबर तक इम्पॉर्टेंट कौन कौन से दिवस हैं, प्लस उस दिवस की क्या थीम है, उन सभी का एक सेपरेट PDF भी मैंने तैयार कर दिया है। एट अ मीन्स टोटल्स आपके 4 टॉपिक हैं जो यहाँ से कवर हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट, ऑबिचुरीज, बुक्स एंड डेज, राइट, ये 4 टॉपिक इतने अच्छे कवर हो जाएंगे अगर आप ऑनेस्टी के साथ इन PDF को डाउनलोड करोगे और पढ़ोगे। ओके, क्लियर,
अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, अगर आपको जीके अपना बूस्ट अप करना है तो जनवरी मंथ के टोटल्स 100 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इसमें बैंकिंग है, स्टैटिक है, करंट है, इंटरनेशनल्स हैं, बुक बेस पर है, डीज बेस पर, टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस हैं। मेरी गारंटी है एग्जाम्स में यह आपकी पीडीएफ बहुत ज़्यादा काम है। यह भी पीडीएफ मैंने बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करिए, या अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी भी देख सकते हैं। ओके, जनवरी मंथ के अपॉइंटमेंट है क्योंकि करंट अफेयर लेके भी चलना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्वेश्चंस कहीं से भी बना सकता है, राइट। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्चुरीज है जनवरी मंथ की, मैं मंथली बेसिस पे वीडियो बनाते रहता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट डेज है जनवरी मंथ की, प्लस उसकी थीम है, राइट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आज के मतलब कि ये मैंने कल एक होमवर्क क्वेश्चंस पूछा था ऑल अवर स्टूडेंट से, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। अगर आप आंसर्स नहीं देते तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिए, राइट। Who authored the book titled by many a happy accident recollections of a life, right? तो ये पुस्तक है, पुस्तक का नेम है by many a happy accident recollections of a life। तो इस पुस्तक को पर्टिकुलर किसने लिखा है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको लिखा है दैट इज द की एंड आपकी हमीद अंसारी साहब ने, सॉरी सी ऑप्शन यानी कि हमीद अंसारी साहब है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। आप देख सकते हैं इस पुस्तक का फ्रंट पेज बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ मिस्टर मोहम्मद हमीद अंसारी, राइट। आपकी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। क्लियर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पवन सिंह कौल आप सभी को मालूम है, इन्होंने राणा कपूर जो यस बैंक के हैं उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। ओके, हामिद अंसारी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स पे, राइट। एक पुस्तक है माय डियर एस्पिरेंट जो आज रिलीज की गई है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल पुस्तक पढ़ने से पहले एक चीज अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अपने सेशंस में होता क्या है। इम्पोर्टेंट बुक्स रहती हैं, इम्पोर्टेंट डेज रहता है, इम्पोर्टेंट न्यूज रहती है, इम्पोर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है। ओके, तो ये इतना सारा आपका इम्पोर्टेंट है जो इस सेशंस में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल्स इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आपके आपको बताऊंगा, इससे पहले अपन इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज इट मीन्स फरवरी मंथ में अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड ऑफ फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट। सेकेंड ऑफ फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में अपन ने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है 4th of February को दैट इज द वर्ल्ड कैंसर डे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यह भी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में आपकी 4th of February को बनाया जाता है, इस दिन नेशनल डे होता है श्रीलंका का भी, नेशनल श्रीलंकन डे यह भी होता है 4 February को। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 10 February को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज द वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि विश्व दलहन दिवस, जो कि आपका 10 February को बनाया जाता है। यानी कि अभी तक अपन को जितना भी देखने को मिला है तो इनमें से यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा, क्लियर। वापस रिपीट कर देता हूँ, 2nd यानी कि 2 February को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 February को वर्ल्ड कैंसर डे, और इसी दिन नेशनल डे होता है श्रीलंका का, एंड देन 10 February को आपकी वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि विश्व दलहन दिवस आपकी 10 February को बनाया जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा।
तो ये इम्पोर्टेंट डेज है। जनवरी मंथ के जाना है तो सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, जाके आप देख सकते हैं। इसके लास्ट मंथ के भी आपको चाहिए तो मैंने पीडीएफ दे रखा है, डाउनलोड किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट ज्यादा है इम्पोर्टेंट आज की पुस्तक पे, देखिएगा राइट। ये पुस्तक पर्टिकुलर आर पी गुप्ता जी ने लिखी है। पुस्तक का नेम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, राइट। दैट इज द पुस्तक का नेम है। पुस्तक को लिखा किसने है, दैट इज द आर पी गुप्ता, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है नोट करते हैं। ऑथर है आर पी गुप्ता, पुस्तक का नेम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, दैट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर बुक। और इसके ऑथर पूछे तो ऑथर ध्यान रखिएगा आर पी गुप्ता जी हैं, जो कि इस पर्टिकुलर पुस्तक के ऑथर हैं। इन्होंने के माध्यम से ही यह पुस्तक लिखी गई है, ओके क्लियर। और बुक बेस पर अगर आपको जानना है तो बुक का मैंने मार्च से लगाकर दिसंबर मंथ का एक पीडीएफ दे रखा है। अगर जनवरी मंथ के आपको पढ़ना है तो सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखा है, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आज की इम्पोर्टेंट न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल खड़के मल्लिका अर्जुन खड़के राइट टू लीड अपोजिशन इन राज्यसभा, राइट। रिसेंट में माई डियरस प्रिंस कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए एलओपी जारी किया लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, राइट। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, उनको आपके राज्यसभा में ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को हमेशा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, लोकसभा को हमेशा निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। पूछे एग्जाम्स में तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो आपकी उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, जो कि एलओपी के रूप में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किया है, ओके। तो इससे पहले गुलाम नबी आजाद साहब, राइट, गुलाम नबी आजाद हैं जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वह आपके एलओपी थे लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी कांग्रेस पार्टी से, राइट। अब इनका रिटायरमेंट प्लान है, वह अपने सेवानिवृत्त हो रहे हैं पर्टिकुलर, तो उनकी जगह पर अब मल्लिका अर्जुन खड़गे। पहले 2019 से इलेक्शन से पहले मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, जो कि एलओपी थे लोकसभा में, अभी रिसेंट में कांग्रेस पार्टी से एलओपी है लोकसभा में। मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं जो 2019 का चुनाव हुआ था, वह अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, कर्नाटका से इन्होंने चुनाव लड़ा था, राइट, कर्नाटका स्टेट से, ओके। तो बट अब वहां पर ये हार गए थे, उसके बाद लोकसभा का जो एलओपी है वह अधीर रंजन चौधरी जी को बनाया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, राइट। पश्चिम बंगाल से वह आते हैं और पश्चिम बंगाल से ही वह सांसद है, वह लोकसभा में एलओपी है, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ओके। इतनी डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। रिसेंट में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, जिनका होम टाउन है कोटा राजस्थान में एक कोटा है जो सबसे ज्यादा स्टडी के बेसिस पे जाना जाता है, कोटा, वहां से वह सांसद हैं, ओके क्लियर। प्रेसिडेंट हो गए आपके रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जी एस अय्यर है टीचर्स आज धनलक्ष्मी बैंक्स पार्ट टाइम चेयरमैन, राइट। जी एस अय्यर है माई डियर प्रिंस, जो कि पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में धनलक्ष्मी बैंक के चेयरमैन बने हैं, ओके याद रखिएगा। जी एस अय्यर नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में नेम से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। धनलक्ष्मी का तो एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, ओके। तो धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है जो कि त्रिशूर केरला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके रिसेंट में आपकी जो पार्ट टाइम चेयरपर्सन बने हैं जी एस अय्यर, राइट। यहाँ पर देखिए पूरा
हेडिंग पढ़ लीजिए, धनलक्ष्मी बैंक, ये फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस की मैंने कटिंग्स निकाली है। धनलक्ष्मी बैंक सेड इन अ रेगुलरिटी फाइलिंग दैट जी एस सुब्रमण्यम अय्यर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड टेकन चार्ज हैड टेकन चार्ज एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक ऑन फ्राइडे फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द अपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग चार्जेस। क्लियर? बैंकिंग एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चंस, यह न्यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस न्यूज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करना हो जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गडकरी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट CNG ट्रैक्टर। राइट, गडकरी, नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से यह सांसद हैं, याद रखिएगा। ओके, और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, राइट, इनके पास ही सड़क परिवहन मंत्रालय है जो कि आपकी नितिन गडकरी के पास भी है। बहुत अच्छा इनका रिजल्ट्स रहता है, मोदी सरकार में सबसे अच्छे मंत्री के रूप में काम के बेसिस पे भी जाने जाते हैं। ओके, तो इन्होंने माय डियर स्टूडेंट्स पहला, इंडिया का पहला CNG ट्रैक्टर है उसकी शुरुआत कर दी है, यानी कि पर्टिकुलर जो डीजल ट्रैक्टर से उनको CNG में कन्वर्ट करके स्टार्ट किया है। ओके, याद रखिएगा, यहाँ से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट एवर डीजल ट्रैक्टर कन्वर्टेड टू CNG एंड रजिस्टर्ड इन हिज नेम रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एंड MSMEs मिनिस्ट्रीज नितिन गडकरी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर्स नितिन गडकरी ऑल्सो सेड दैट दैट नॉट ओनली इट विल चेंज द रूल्स रूरल इकोनॉमी बट रिजल्ट्स इन ह्यूज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस। राइट, यानी पर्टिकुलर इनका कहना है कि जो गांवों की एक तरह से इकॉनमी है उसको बढ़ावा मिलेगा, खेती को बढ़ावा मिलेगा, डीजल्स की जगह CNG यूज होगा तो वो थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट है जो आपकी वह भी जनरेट होगा। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेट अप मल्टीपल्स बायो CNG मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। गवर्नमेंट है जो कोशिश कर रही है अलग अलग पार्ट की जो CNG मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको सेटअप करने के लिए, स्थापित करने के लिए। राइट, क्लियर? तो अपने लिए न्यूज़ के रिगार्डिंग्स देखें तो अपने लिए ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए दो ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, सेकंड कौन सा ट्रैक्टर्स लॉन्च किया है इंडिया का पहला। मैं बार बार कहता हूँ, प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ, कोई भी चीज़ फर्स्ट हो, कोई भी चीज़ का फर्स्ट इनॉग्रेशन हो, सेटअप लगाया जाए या एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी भी तरह का हो, याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट चीज के बारे में आपको पूछा जाएगा एग्जाम्स में। ओके, तो पहला CNG ट्रैक्टर है जिसको डीजल से CNG में कन्वर्ट किया है, किसने किया है, आपकी जो नितिन गडकरी साहब है। ओके, ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मनाशा वाराणसी, राइट, बैग्स विन बैग्स मिस इंडियाज वर्ल्ड 2020 टाइटल्स। राइट, माय डियर फ्रेंड्स, मनाशा वाराणसी, राइट, जिनको मिस इंडिया 2020 का वर्ल्ड टाइटल्स मिला है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, मनाशा वाराणसी, कभी कभार स्टेट पूछ लेता है बट पर्टिकुलर क्वेश्चन यही बनाएगा, मिस इंडिया 2020 कौन नियुक्त हुई है, नाम ही पूछेगा, बट कभी कभार पूछ लेता है कि मनाशा वाराणसी जो मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत चुकी है तो वह किस स्टेट से बिलोंग करती है। राइट, ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ओके, मनाशा वाराणसी जिनको मिस इंडिया 2020 का खिताब मिला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आज का आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चंस देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग के अनुसार इंडिया रियल GDP विल ग्रो अप एट हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2022।
इंडिया रेटिंग के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी फाइनेंशियल्स ईयर 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ये आपकी ऑप्शन है ए बी सी डी। इनमें से आप आंसर्स देखिएगा, टाइप करिएगा कौन कौन सा आंसर्स आपका करेक्ट हो सकता है, सर्च भी जरूर कीजिएगा, इसका आंसर्स आपको मंडे को मिल जाएगा, राइट। तो एंड अप करते हैं सेशंस को, अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, राइट। और चैनल्स पर न्यू जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब आप हमने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। जो पीडीएफ मैंने आपको बताए हैं वीडियो के स्टार्टिंग्स में, अगर आप लेट में जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो के स्टार्टिंग्स में देखिएगा, कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, सर मेरे को ये पीडीएफ चाहिए, ओके मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल्स, ओके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए, ओके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेन्स एग्जाम्स, थैंक यू।